हेलो दोस्तों, मैं गौतम डागर और आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेन विद गौतम में। और आज का हमारा टॉपिक है रग्बी से रिलेटेड, कि रग्बी में बिगिनर्स जो भी आते हैं, जो नए नए प्लेयर आते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे, क्योंकि उनको गेम ही समझ में नहीं आता है, क्योंकि गेम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ब्रिटिश गेम है और इसके रूल्स थोड़े से अलग हैं। जैसे कि इसमें हमेशा पास पीछे करना होता है और पेनल्टी बहुत सारी होती हैं, और टैकल आपको कहाँ करना है, कैसे करना है, लाइन आउट क्या होती है, स्क्रम क्या होता है, कब होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा मेरी इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके ही प्यार से मेरे को हौसला मिलता है ताकि मैं और वीडियो बनाऊँ। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले बहुत ही पॉपुलर स्पोर्ट रग्बी के बारे में और इसके रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में। जब तक आप इसको इसके रूल रेगुलेशन पता नहीं होंगे, तब तक आप इस गेम को खेल नहीं सकते और ना ही टीवी पे एंजॉय कर सकते हैं। ये 10 मिनट का वीडियो आपको बताएगा रग्बी के रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि रग्बी में आपको क्या पहनना चाहिए। इसमें शॉर्ट्स, टी शर्ट, माउथ गार्ड ये पहन के खेलते हैं, और इसमें एक बॉल होती है अंडे के आकार की, ओवल शेप बॉल। और क्योंकि ये एक ब्रिटिश गेम है, तो इसलिए बहुत सारे ब्रिटिश वर्ड्स भी यूज़ होते हैं। रग्बी दो टाइप की होती है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर, रग्बी यूनियन और रग्बी लीग। आज हम बात करने वाले हैं रग्बी यूनियन के बारे में। ये वर्जन बहुत ही पॉपुलर वर्जन है आज की डेट में। सबसे पहले देखते हैं हम पिच। तो इसका जो पिच होता है, ये फुटबॉल फील्ड के बराबर होता है, जिसमें बहुत सारी लाइंस होती हैं। तो सबसे पहले आती है हाफ वे लाइन, जहाँ से गेम स्टार्ट और रीस्टार्ट होता है। इसके बाद आती है 10 मीटर लाइन। इसका इस्तेमाल किक ऑफ के टाइम पे होता है। हर किक ऑफ के बाद आपकी बॉल 10 मीटर तक ट्रेवल ज़रूर करनी चाहिए। इसके बाद आती है 22 मीटर लाइन, जिसको हम डिफेंस लाइन या डिफेंस एरिया भी कहते हैं। और उसके बाद आती है गोल लाइन या ट्राई लाइन, जिसके पार आपको बॉल रख के स्कोर करना होता है। और इसी लाइन के ठीक बीच में हमारे गोल पोस्ट होते हैं, जो कि एच शेप के होते हैं। और उसके बाद लास्ट लाइन आती है हमारी डेड बॉल लाइन। अगर प्लेयर इस लाइन के बाहर जाता है तो गेम रीस्टार्ट होता है। इसके बाद साइड लाइन आती है 5 मीटर और 15 मीटर लाइन। तो लाइन आउट के दौरान दोनों टीम के प्लेयर को 5 और 15 मीटर लाइन के बीच में ही खड़ा होना होता है। इसमें 2 40 मिनट के हाफ होते हैं विद अ 5 मिनट ब्रेक। 15 खिलाड़ी होते हैं जो गेम खेलते हैं, और उनमें भी 8 फॉरवर्ड्स होते हैं। इनका काम होता है ये कि ये स्क्रम और लाइन आउट करें, क्योंकि ये बहुत भारी भरकम होते हैं। इनके बाद जो फास्ट और स्किनी प्लेयर्स होते हैं, वो 3 क्वार्टर्स होते हैं। ये बेसिकली सारा रनिंग का काम करते हैं। और एक बीच में होता है स्क्रम ऑफ, जो कि फॉरवर्ड्स और बैक्स के बीच का लिंक होता है, या 3 क्वार्टर्स के बीच का लिंक होता है, जो उनको पास करता है। और लास्ट में होता है फुल बैक। आप रग्बी हाथों और पैरों से खेल सकते हैं। आप इसमें किक भी मार सकते हैं, और इसमें क्योंकि एक टीम स्पोर्ट है, तो आपको इसमें पास करना होता है। और जब भी आप पास करेंगे, तो इसका रूल है कि आप हमेशा पीछे पास करेंगे, यानी बैकवर्ड पास करेंगे, और रन फॉरवर्ड करेंगे, यानी आगे भागेंगे। आप इसमें जितने चाहे भी पास कर सकते हैं, और आप इसमें किक भी मार सकते हैं। पर जब भी आप किक मारेंगे, तो आप हमेशा किक फॉरवर्ड ही मारेंगे, ताकि आप टेरिटरी गेन कर सकें। दोस्तों, रग्बी में स्कोर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे कॉमन तरीका है ट्राई स्कोर करना। इसमें आपको बॉल जो गोल लाइन है उसके पार रखनी होती है, और इसके आपको 5 पॉइंट्स मिलते हैं। इसके बाद 5 पॉइंट्स के बाद आपकी टीम का एक मेंबर, जो ये क्रॉस बार है, उसके पार एक किक करेगा, जिससे आपको 2 एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे। इसको कन्वर्जन किक कहते हैं। तो टोटल आपको 7 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर रेफरी पेनल्टी देता है, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप पेनल्टी किक लें या रीस्टार्ट करें। अगर आप पेनल्टी किक लेते हैं और आपकी किक जो है दोनों गोल पोस्ट के बीच में से जाती है, तो आपको एक्स्ट्रा 3 पॉइंट और मिलते हैं। दोस्तों, आप एक और तरीके से स्कोर कर सकते हैं। गेम के दौरान अगर आपका अटैक है, तो आप ड्रॉप किक कर सकते हैं, और अगर आपकी ड्रॉप किक गोल पोस्ट के बीच में से जाती है, तो आपको 3 पॉइंट मिलते हैं। ऐसे भी आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। Now running on, dude, it's Quigley Bale, and it's trying to... On the
verge of greatness, although on this occasion from a greater distance. Can he go to the top of the All Black point-scoring tree? He's there. Still in place for the drop goal. Australia come back. Here it is for Johnny. Has he done it? He sure has. सपोज आप खेलते हुए आपके हाथों से बॉल गिर जाती है या किसी भी कारण से बॉल आगे गिरती है आपसे, तो ऐसे में रेफरी आपको स्क्रम देगा। ऐसी कंडीशन में स्क्रम गेम का रीस्टार्ट होता है और बॉल दूसरी टीम को मिलती है। दोनों टीमों के फॉरवर्ड स्क्रम में एक स्पेसिफिक पोजीशन में एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े होते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। इसके बाद स्क्रम ऑफ आता है और स्क्रम ऑफ का काम है कि बॉल एकदम बीच में लाइन के बीचों बीच डालना, और उसके बाद दोनों टीमें एक दूसरे को पुश करती हैं जितना हो सके उतने पावर के साथ, और फॉरवर्ड्स इसमें अपने पैरों का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि बॉल पीछे आए। एक बारी बॉल अंदर चली गई तो दूसरी टीम का स्क्रम ऑफ नंबर 6 को पार करके नहीं आ सकता जब तक कि बॉल स्क्रम के अंदर है। उसके बाद स्क्रम ऑफ बॉल निकालता है, उसके बाद गेम ऑन रहता है। दोस्तों अगर किसी भी कारण से कोई प्लेयर बॉल को किक मार के बाहर कर देता है या फिर कोई टैकल में लाइन से बाहर चला जाता है जिससे कि वो बाहर गिरे, या फिर उसका पैर लाइन पे आ जाता है बॉल पकड़ते हुए, तो ऐसे में गेम रीस्टार्ट होगा लाइन आउट से। लाइन आउट में दोनों टीमें 5 से 15 मीटर के बीच में खड़ी होती हैं इक्वल डिस्टेंस के साथ, और इसमें जो थ्रोवर होता है वो बॉल को दोनों के एकदम बीचों बीच फेंकता है दोनों टीमों के, और जो टीम सबसे ऊंचा जंप करती है वो पोजीशन, वो बॉल को टैप भी कर सकती है या बॉल को पकड़ के अपने टीम के प्लेयर को भी दे सकती है। उसके बाद वो पास करके गेम को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों रग्बी का सबसे अच्छा फन है कि आप दूसरे प्लेयर्स को रोक सकते हैं टैकल करके, और टैकल सिर्फ बॉल जिसके पास होगी बॉल पोजीशन उसी को कर सकते हैं, और सबसे अच्छा वे टैकल करने का है कि आप उनको उनकी वेस्ट या पैरों से ग्रैब करें और उनको नीचे गिराएं। रग्बी में दोस्तों नेक से नीचे ही आपको पकड़ना होता है, अगर आप किसी को नेक से पकड़ेंगे या किसी को पैरों से गिराएंगे अड़ंगी देके, तो उसे ऐसे में रेफरी सीधा पेनल्टी देगा और आपको ग्राउंड के बाहर कर देगा। दोस्तों गेम के दौरान आप दो चीज़ें सबसे ज़्यादा देखते हैं रग्बी के गेम में, एक होता है मॉल और एक होता है रक। दोस्तों गेम के दौरान इन फॉर्मेशंस में प्लेयर नॉर्मली फाउल करते हैं और ऐसे में रेफरी को बीच में आना पड़ता है। तो रक और मॉल होता क्या है, जब एक अटैकिंग टीम का प्लेयर डिफेंसिव टीम की तरफ भागता है और वो टैकलर उसको टैकल मार के नीचे गिराने के बजाय ऊपर ही होल्ड करता है, और दोनों टीम के प्लेयर इस फॉर्मेशन को ज्वाइन कर लेते हैं और बॉल बीच में रहती है, तो इस सिचुएशन को हम मॉल कहते हैं। इसमें अटैकिंग टीम के प्लेयर बॉल को अपनी टीम की तरफ देने की कोशिश करते हैं, और अगर वो बहुत देर तक बॉल को नहीं दे पाते हैं तो ऐसे में रेफरी सीटी बजा के वो गेम स्टॉप करता है और डिफेंसिव टीम को स्क्रम दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद आता है रक। रक कब फॉर्म होता है, जब एक अटैकिंग टीम का प्लेयर ग्राउंड पे जाता है और डिफेंसिव टीम के प्लेयर और अटैकिंग टीम के प्लेयर दोनों उसके ऊपर से एक दूसरे को बाइंड करके ब्रिज बनाते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जो टैकलर होता है उसको नीचे वाले प्लेयर को छोड़ना होता है, और जो बॉल कैरियर होता है उसको बॉल रिलीज़ करनी होती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं रक में, और इसी में दोनों टीम्स के प्लेयर एक दूसरे से बाइंड करके अपने पैरों से उस बॉल को जीतने की कोशिश करते हैं। दोस्तों रग्बी में बहुत सारे फाउल होते हैं, ऑफसाइड जिसको हम बोलते हैं, और सबसे कॉमन ऑफसाइड होती है मॉल में, जब बॉल बीच में होती है दोनों टीमों के और इनविजिबल होती है।
ऐसे में बॉल ही एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट करती है जिसको हम बोलते हैं गेन लाइन। अगर कोई भी टीम का प्लेयर उस गेन लाइन को बिना बॉल के क्रॉस करता है तो ऑपोजिट टीम को पेनल्टी मिलती है। दोस्तों रग्बी एक बहुत ही टफ स्पोर्ट है, पर इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, जैसे कि रिस्पेक्ट करना अपने टीममेट्स की और ओपोनेंट टीम्स की और रेफरी के डिसीजन की। रेफरी का डिसीजन कुछ भी हो हमें उसको मानना होता है, और उसके बाद जब गेम ख़त्म होता है तो हमें अपने ऑपोजिट टीम के यानी ओपोनेंट्स को भी जैसे ताली बजाकर या उनके साथ हाथ मिलाकर उनकी रिस्पेक्ट। तो दोस्तों होपफुली आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपकी रग्बी नॉलेज बढ़ी होगी इससे, और आपको बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस भी क्लियर हुए होंगे कि कैसे रग्बी खेलते हैं, और अब आप इंजॉय कर सकते हैं रग्बी खेलने में भी और टीवी पे देखने में भी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और अपना प्यार ऐसे ही देते रहिएगा।